खनिया थाना पुलिस ने पकड़ी 100 लीटर अवैध कच्ची शराब व 1000 लीटर लहान किया नष्ट। खनिया थाना प्रभारी इन दिनों एक्शन मोड में है। इसी को देखते हुए खनिया थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदौरिया ने अवैध कच्ची शराब पर कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार इलाका भ्रमण के दौरान खनिया थाना पुलिस को मुखबरी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नदनवारा में रामघाट पर कुदराहट नदी के किनारे अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची शराब उतारी जा रही थी। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी जैकी राजा चौहान पुत्र सरदार सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी ग्राम नदनवारा के कब्जे से 2 कैनों में 50-50 लीटर जिसमें कुल 100 लीटर हाथ भट्टी की बनी हुई देशी कच्ची शराब भरी हुई थी जिसकी करीबन कीमती 10,000 रुपये है व मौके पर से 4 ड्रमों में भरा लहन नष्ट किया गया तथा उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है और मामला विवेचना में लिया गया। आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। खनिया थाना से संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। अभी तो एक आदमी पकड़ा गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे श्री रघुवंश सिंह साहब के आदेश से शराब माफिया, जुआ, अवैध सट्टा, अवैध इन पर कार्रवाई के लिए हम लोगों को निर्देशित किया है और प्रतिदिन उन्हें बताना भी पड़ता है कि कहां कहां क्या क्या कार्रवाई की। उसी कार्रवाई के तारतम्य में माननीय एडिशनल SP साहब के मार्गदर्शन में और SDOP साहब को बता के जब हमने एक मुखबिर की सूचना मिली थी उससे नदनबाड़ा गांव में जब हमने दबिश दी तो एक 19 साल का लड़का अवैध रूप से कच्ची शराब बना रहा था जिसे करीब 2 ड्रम लाहन था जो अवैध था उसको वहीं नष्ट किया और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त करके 34(2) की कार्रवाई की है।